तो हेलो लोंडो यार, जब से फ्री फायर में नया अपडेट आया कि भाई आप ग्लू वॉल के ऊपर से जंप नहीं कर सकते, तब से यार हम जैसे नोबड़ों ने जो इतनी मुश्किल से प्यारे प्यारे से हिडन प्लेस ढूंढे थे वो सारे बेकार हो चुके हैं और अब बंदे हमको कुत्तों की तरह धोते हैं। बट लोंडो टेंशन मतलब आपका भाई है, जब तक मैं हूँ यार फ्री फायर कुछ भी कर ले इतने खतरनाक हिडन प्लेस ढूंढ के लाऊंगा कि फ्री फायर कंफ्यूज हो जाएगा भाई इस बंदे को क्या क्या रोक लगाऊं यार, ये हर बार नए हिडन प्लेस ढूंढ के लाता कहाँ से। तो चलिए यार बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा हिडन प्लेस निकल के आता है वो आता है इस जगह पर यार, जब से ग्लू वॉल के ऊपर से जंप बंद किया है तब से इस घर के ऊपर चढ़ना लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। बट मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला जिसका यूज करके आप बिना ग्लू वॉल के ऊपर जंप किए इस टॉप वाले घर के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो देखो यार, सबसे पहले आपको इसके लिए 3 ग्लू वॉल की जरूरत पड़ेगी और एक अपने दोस्त की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आप देखो जैसे मैंने ग्लू लगाए बिल्कुल वैसे ही आपको ग्लू लगा लेने। उसके बाद यार आप चाहो तो अपने दोस्त की मदद से इस डब्बे के ऊपर ऐसे चढ़ सकते हो, वरना बिना ग्लू लगाए आप नीचे से भी इस डब्बे के ऊपर चढ़ जाओगे। और यहाँ पे आपको बस धीरे से आगे बढ़ना है। और आप देखो यार मैंने कितनी इजीली इस घर के ऊपर चढ़ के दिखा दिया, वो भी अपडेट के बाद। और इस घर पे चढ़ने के बाद यार आप कोई भी गेम इजीली भूया निकाल सकते हो, ये चीज तो आपको पता ही होगी। तो देखो यहाँ पे मैं लास्ट वाले बंदे को मार के इस गेम को कर लेता हूँ विन। चलिए यार चलते हैं बिना किसी देरी के हमारे सेकंड हिडन प्लेस की तरफ। क्या आता है इस मैप पर, और इस मैप पर यार आपको बहुत सारे यूट्यूबर ने अलग अलग हिडन प्लेस बताए होंगे, बट जो मैं बताने वाला हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं बताया होगा क्योंकि पॉप सब थे ग्लू वॉल का यूज करके। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो है बिना ग्लू वॉल के ऊपर जंप करके। देखना यहाँ पे सबसे पहले इस जगह पर आना और यहाँ से आपको एक प्यारा सा जंप लगा लेना है। ये वाला हिडन प्लेस भी आपको काफी लोगों ने बताया होगा, बट देखो आपको 3 ग्लू वॉल बिल्कुल ऐसे अपने दोस्त के बोलकर लगवानी है और उसके बाद आप कहां पर आ जाओगे यार, ये सबसे खतरनाक हिडन प्लेस है। यहां से आप पूरा मैप कवर कर सकते हो और इसके बाद भी यहीं पे मामला खत्म नहीं होता। तो इधर मैं इस बंदे को नॉक करके यार देखो यहां पे थोड़ा पीछे आ जाता हूं। पीछे आने के बाद एक प्यारा सा जंप लगाना है आपको इधर से और आप देखो बिल्कुल इस घर पे पहुंच जाओगे। और ये है भाई इस मैप का सबसे बीच वाला घर, मतलब आप लास्ट जोन तक यहां पे रहकर एकदम सर्वाइव कर सकते हो और अपने सारे टीममेट को मस्त वाला कवर दे सकते हो, कोई भी मैच एकदम इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए यार चलते हैं अब हमारे थर्ड हिडन प्लेस की तरफ जो कि निकल के आता है इस जगह पर। यहाँ पे देखो यार सारे बंदे क्या करते हैं, इस टायर के ऊपर जंप करके इसी घर पे बैठ जाते हैं और जोन आने के बाद इधर से जंप कर लेते हैं क्योंकि जोन यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाता है तो इसका ज्यादा कोई फायदा है नहीं। बट अगर आप यहाँ से छोटा सा जंप करोगे तो आप देखो इस छोटे वाले घर के ऊपर आ जाओगे। और ये वाला हिडन प्लेस सबसे खतरनाक होने वाला है क्योंकि सामने से आप एकदम पूरा कवर ले सकते हो और कोई भी बंदा आपको नहीं मार सकता। तो आप देखो यार उधर सामने एक बंदा बैठा था, उसको मैंने वहां पे फिनिश कर दिया। और आप देख सकते हो सामने से एक और बंदा मेरी तरफ आ रहा था, उसको भी मैंने कितना गंदा डैमेज दिया। वो बंदा सोच भी नहीं सकता भाई इस जगह पे भी कोई भी आ सकता है क्या, क्योंकि ऐसे हिडन प्लेस आज तक यूट्यूब पे शायद किसी ने नहीं बताए होंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हो लास्ट वाले बंदे को भी मार के मैं यहाँ पे राउंड निकाल लेता हूँ। और अब चलते हैं हमारे फोर्थ हिडन प्लेस की तरफ जो कि निकल के आता है इस जगह पर। यहाँ पे यार आपको केली या आलोक लेके आ जाना है, नहीं भी लाओगे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए देखो आपको जल्दी से भाग के जाना और ट्राई करना कि इस टावर के पीछे से निकलो ताकि आपको एक बीच में कवर मिल जाए। तो इसके बाद आप देखो सीधा चढ़ के यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से यार एनिमी का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। आप देखो कितनी इजीली मैंने यहाँ पे किल ले लिया, एनिमी को पता भी नहीं चला भाई बंदा इधर कहाँ पे आ गया। और देखो सारे एनिमी मेरे को यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं और मैं भाई जिनको चाहूँ उनको इजीली मार सकता हूँ क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते, वो तो बस आगे ध्यान रखेंगे इधर ध्यान नहीं रखेंगे। ये भी देखो उधर मार रहा था और यहाँ पे मैंने बिल्कुल 3 बंदों को इजीली मार के यहाँ पे बुया निकाल लिया। तो अब चलते हैं यार हमारे फिफ्थ हिडन प्लेस की तरफ जो कि निकल के आता है इस जगह पर। यार ये वाला हिडन प्लेस भी आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। देखो आपको क्या करना है, भाग के जाना है सामने वाला ये जो बीचों बीच जो घर है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको जल्दी से आके एक ग्लू लगा लेनी है। सबसे पहले देखो ग्लू आपको ऐसे लगानी है कि आप ग्लू पर जंप ना करो, फिर आपको दोस्त को बिठा के सीधा यहाँ पे जंप कर लेना। इसके बाद आप आ जाओगे इस वाले घर पे और फुल मैप आपको पता ही होगा, ये घर एकदम जोन के बीचों बीच रहता है तो पूरा मैप कवर रहता है और आप चाहो जितने किल यहाँ से उठा सकते हो। तो लोंडो ये थे बरमुंडा मैप के वो हिडन प्लेस जो कि आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताए थे। और यार बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ कसम से वीडियो बनाने के लिए, और आपने यार बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो यार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरे को यार बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और जिसने भी भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा यार, बहुत 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 ज्यादा आपका थैंक यू और लव यू ऑल गाइस। तो लोंडो अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपको इससे भी प्यारे वीडियो के साथ, इससे भी प्यारे टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।